हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज होली है तो मैंने सोचा क्यों ना कोई एक ब्लॉग शुरू किया जाए, मेरे चैनल का फर्स्ट एवर ब्लॉग आपको रूबरू करवाया जाए मेरे यहाँ की होली से, और कुछ अच्छे अच्छे पलों को कैप्चर किया जाए जैसे बाद में एक याद के तौर पे भी ये याद रहे। मेरी तो लाइफ अपडेट ये है कि अभी मैं थोड़ा सा काम वाम कर रही थी घर का, जो कि होली के टाइम पर रहता ही है मोस्टली काम। और उसके बाद अभी मैं शूट कर रही थी सब्जी, मशरूम मटर की सब्जी बनाना शूट कर रही, जो कि आपको मेरे दूसरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, कुक विथ क्लासी प्राची। तो उसकी बस मैं शूटिंग कर रही थी, तब तक मैंने सोचा बीच में आके थोड़ा सा अपना व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे इस व्लॉग में आज और कल दोनों का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि आज शाम को थोड़ा सा पूजा वगैरह होएगी, भैया भाभी बुआ की फैमिली वगैरह आएगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा मोमेंट है तो एक व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो चलिए मैं अभी सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। हे गाइस, आई एम बैक। और ना मैं आपके लिए एक रेसिपी भी लेके आई हूँ कुक विथ क्लासी प्राची पे आपको जो मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी रेसिपी है, मतलब मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। वो होती तो गुजिया के तरह ही है, बट उसका स्वाद मुझे बहुत पसंद आता है, प्लस वो खाना आपका बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी करती है। फिर कोई बार एक ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर ट्राई करिएगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मैं नहाने जा रही हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्योर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया जाए, ताकि थोड़ी सी स्किन जो है वो रिलैक्सेबल हो जाए और एक रिपेयर मोड में भी चली जाए। हे आई एम बैक। मैं नहा धो चुकी हूँ और मैंने अपना सीटीएम रूटीन कर लिया है। अब उसके बाद मैं जा रही हूँ गुड़ वाली गुजिया बनाने, और उसके बाद देखते हैं। एक्चुअली मैं अपने बालों को खींचने में ना बड़ा आलसी हूँ, पता नहीं क्यों, कोई मुझे बाल खींचने मतलब बाल झाड़ने के लिए ना बोले। हमारे यहाँ होती नए अनाज की पूजा। ये जौ है, जौ में गुड़ और देसी घी और सौंठ मिक्स किया जाता है, उसके बाद इसको खाया जाता है पूजा करने के बाद, और ये खाने में बहुत डिलीशियस लगता है मुझे। मम्मा इज मेकिंग नवा। कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं अरे बट ये कर क्या रहे हैं? बालियों को संग्रहित कर रहे हैं। संग्रहित कूड़ा हटा करके अलसी, फिर इसका क्या होगा? जो कि बालियां इनको होलिका दहन कर रहे थे, भगवान पहले चढ़ाया जाए उसके बाद उनको होली में भूना जाए, मतलब जो होली जलेगी तो उसमें भूना जाएगा जो कि बालियों और अलसी को। ओके, होली में प्रोटेक्शन तो मस्ट है, तो क्यों ना अपने थोड़े से नेल्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया जाए और नेल पेंट लगा लें। अभी हमारे यहाँ बुआ लोग आएंगे, फिर उसके बाद होलिका दहन की पूजा होएगी एंड फिर डिनर होगा। तो वही जब बुआ लोग आती हैं तभी थोड़ा सा रंग वंग खेला जाता है, तो तेल वेल भी लगाना है। फिर हम आपसे मिलते हैं जब रंगोली बनाएंगे हवन वाली, या फिर जब बुआ लोग आ जाएंगे उसके बाद। नाउ आई एम ऑल रेडी फॉर द पूजा। मैंने ब्लू लाइनर लगाया है, थोड़ा सा मस्कारा, और यहाँ पर मैंने लगाया है बीटरूट का जूस। और ये पेश है हमारे घर की छोटी सी रंगोली। चक्का मतलब नाम है तक जाएगा। ये कौन सी बात होती है? बोलो भी तो शांति में।
लोगों का आज का होलिका दहन का जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया है। भाभी भैया लोग आए थे, डिनर हुआ, बुआ फूफा लोग और सब मस्ती वस्ती हुई, डांस हुआ, खाना हुआ और हम लोग भी अब बहुत थक गए हैं, अब सोएंगे थोड़ा सा ये सब छुड़ा उड़ा के। और हाँ, मुझे ये गिफ्ट भी मिला, मेरी भाभी ने मुझे दिया, इसके अंदर क्या है वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। Hey guys, very very good morning and wish you a very happy Holi. अभी टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास और अभी अभी ही उठे हैं। देखते हैं आगे क्या काम करना है, क्या है, कैसे है, क्योंकि आज तो है मेन होली, तो काम भी बहुत हैं और लोगों के विशेस वगैरह भी आ रही हैं, उनको भी रिप्लाई बैक करना है। थोड़ा सा सोने के बाद चेहरा कितना फूला फूला सा हो जाता है। एंड दिस इज माई मॉर्निंग रिचुअल टू हैव अ ल्यूक वॉर्म वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे ही उठती हूँ वैसे ही थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म वाटर पीती हूँ, एक या दो ग्लास, डिपेंड्स ऑन माई मूड। अब होली है तो रंग भी खेला ही जाएगा और रंग का जो असर है वो कम से कम हो, इसलिए थोड़ा सा अपने स्किन को प्रेप भी कर ले। जैसे कि मैंने आपको अपने ऑलरेडी एक वीडियो में बता के रखा है, उसी तरह मैं अपने फेस को प्रेप कर रही हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव सम ब्रेकफास्ट। ये हमारे यहाँ बना हुआ है आलू की सब्जी एंड गुलगुला, ये हमारे ननिहाल में बनता था और मेरे को काफ़ी पसंद आता था, तो मैं यहाँ पर भी या तो बनवाती हूँ या मैं खुद बनाती हूँ, तो मैं उसी को इन्जॉय कर रही हूँ। मम्मा पापा के साथ रंग खेलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बुआ के यहाँ, वहाँ थोड़ी सी मस्ती करते हैं। बट मुझे भी रंग लग ही गया, अब इतना सारा रंग बैठकर छोड़ा है इसको। तो फाइनली हमारा नहाना धोना आफ्टर होली हो चुका है, इंजॉय किया, बहुत अच्छे से खेला, बट हाँ उतना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ ये भी मेरा भी पहला व्लॉग है और मेरी फैमिली के लिए भी तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था मुझे भी बार बार वो शूट करना। और दूसरी बात है उनके सामने भी बार बार कैमरा, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें शूट करी हैं जितना मैं कर सकती थी कंफर्टेबली, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा नहीं कि प्रॉपर पूरे टाइम हर एक चीज़ की शूटिंग करो, छोटे छोटे क्लिप्स है वो आपको देखने को मिल ही गए होंगे। और हाँ, कल मैंने आपको बताया था दैट मुझे गिफ्ट मिला है, तो मैं आज दिखाती हूँ कि इसमें है क्या क्या। लेट मी ओपन दिस। और इसमें मेबेलिन के ही प्रोडक्ट्स हैं आई गेस। सबसे पहले ये मेबेलिन का फिट मी है कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड सेकेंड थिंग इज़ मेबेलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक। देन गार्नियर का माइसलर वाटर और देन मेबेलिन का काजल, कैलासल काजल। ये सब मुझे गिफ्ट में मिला है, मेरे भैया भाभी लोगों ने दिया है, थैंक यू सो मच भाभी। और देखिए मेरा रंग छूट गया, मतलब ज़्यादा तो नहीं लगा था हालांकि कि बहुत ज़्यादा भूत बन गए हूँ, बट हाँ जितना भी लगा था वो सही से छूट गया है। आई एम सो मच हैप्पी। मुझे रंग खेलना तो बहुत अच्छा लगता है, बट उस हद तक पसंद है कि हाँ आपका जो कलर है वो प्रॉपर साफ हो जाए। ये पिंक मुँह लेके, ये काला हरा मुँह लेके हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, बस तब उतना मुझे पसंद है। और होली खेलने के बाद इतनी
गंदी वाली नींद आती है, इतनी ज़्यादा नींद आती है वो खुमारी वाली। तो अभी तो मुझे तो अभी से ही नहाने धोने के बाद से ही आने लगा है, खाना वाना भी खा लिया है, तो ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ जाके। बट अभी सो नहीं सकते हैं बिकॉज मुझे एक दो शूट करना है इंट्रो वगैरह अपनी जो मैंने डिशेस बनाई थी उनके, तो उसके बाद, और उसके बाद भी नहीं सो सकते बिकॉज उसके बाद मामा के यहाँ जाना होगा, तो वहाँ के भी आप लोगों को दिखाएंगे कि हाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कैसे है। थोड़े वहाँ भी मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत ही शूट करूँगी, बट जितना शूट कर पाऊँगी उतना कर लूँगी, बिकॉज़ ज़्यादा में तो ये हो जाएगा कि लोग थोड़ा सा डिसकम्फर्ट वाले हो जाते, और अभी स्टार्टिंग है तो मैं किसी को डिसकम्फर्ट नहीं फील करवाना चाहती हूँ। देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है क्या कि रंग खेलने के बाद, होली खेलने के बाद बहुत खुमारी छाती है, बस मन करता है सोने को मिल जाए और सोते रहें। जब मामा के यहाँ जाने वाली होंगी तब मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। हे तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ मामा के घर जाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं मामा के यहाँ, ये इस टाइम लगभग 6 बज रहा है और 6 बजे निकल रहे हैं, फिर रात रात में आएंगे। और ये जो लुक है आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मैंने शूट तो किया है, बस अब मैं कब डालती हूँ ये मेरे को नहीं पता है कि कब मैं अपलोड कर पाऊँगी। बट या अभी मैं मामा के यहाँ जा रही हूँ, फिर मैं वहाँ पहुँच कर आपसे मिलती हूँ, बाय। और ये जो लुक है पूरा आउटफिट का वो मैं आपको अभी बाद में दिखा दूँगी। और ये पहुँच गए हैं मामा के यहाँ, और वहाँ पर कुछ खाना पीना चल रहा है, ऐसा कहीं किसी के यहाँ जाओ तो खाना पीना ही चलता रहता है और सब लोग अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग मामा के यहाँ हैं और नाउ वी आर गोइंग टू हैव डिनर। आहा, लजीज लजीज मटर पनीर की सब्जी, अच्छा सा रायता खट्टा खट्टा, और मिक्स वेज एंड लास्ट सैलड। बाकी पूड़ी और चावल तो होता ही होता है, ये स्पेशल था। तो फाइनली हम लोग अपने मामा के यहाँ से आ गए हैं, सभी लोग डिनर विनर करके, और बहुत ज़्यादा थक गए, मतलब लाइक सुपर टायर्ड। तो मैं अभी अपने इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और होपफुली आपको मेरा ये छोटा सा और थोड़ा सा अजीब सा ब्लॉग समझ में और पसंद आया होगा, बिकॉज मैं ज़्यादा कुछ इसमें शूट नहीं कर पाई, ऐसे मेरे लिए भी पहली चीज़ है और मेरी फैमिली के लिए भी पहली चीज़ है, तो जितना कर पाई हूँ उतना आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। बट जो भी पसंद आया हो, अगर नहीं भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, बिकॉज जिन्होंने भी कभी अगर यूट्यूब शुरू किया होगा और ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम की होगी, मी भी वो अंडरस्टैंड कर पाए सिचुएशन से कि जब आप फर्स्ट व्लॉग बनाते हो और आप बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के होते हो, फिर आप एक अलग चीज़ में, अगर ब्लॉगिंग वाली चीज़ आपकी फैमिली इतना ज़्यादा यूज टू नहीं होती है, तो थोड़ी बहुत झिझक भी होती है और मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो मे बी कुछ लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ, और जो कर पाएँ तो प्लीज़ कीप लव, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। होपफुली नेक्स्ट टाइम जो मैं ब्लॉग बनाऊँ वो इससे थोड़ा सा बेटर हो सके, एंड धीमे धीमे चीज़ें वैसे भी अपने आप सही हो ही जाती हैं। बाय बाय।